हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। क्लास फिफ्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 डेसिमल सॉल्व किया जा रहा है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 40। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सेट ऑफ डेसिमल्स दिया है, इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, स्मॉलेस्ट आता है, और लास्ट में कौन सा आता है, ग्रेटेस्ट आता है। तो आइए सेट ए जो दिया है उन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए में दिया हुआ है द गिवन डेसिमल्स आर 0.34, 0.06, 0.1, 0.61, 0.01। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो उन्हें हम सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक डेसिमल्स मींस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम होना चाहिए सभी डेसिमल्स में। तो ये पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इन्हें लाइक डेसिमल्स में। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो सभी को हम 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे। तो 0.34 यहाँ तो 2 डेसिमल प्लेसेस का है, ये 0.06 ये भी 2 डेसिमल प्लेस का है, 0.1 यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस ही है तो एक जीरो और लगा देते हैं, तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया, 0.61, और ये लास्ट में दिया है 0.01। अब इन्हें हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम इनके होल पार्ट्स का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं होल पार्ट 0 है, सेकेंड डेसिमल में भी 0 है, थर्ड डेसिमल नंबर पे भी होल पार्ट 0 है, फोर्थ में भी 0 है, फिफ्थ में भी 0 है। तो यहाँ तो कंपेरिजन में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि असेंडिंग में हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट को ही लिखना है, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे। यहाँ 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 0 है। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, इन दो अभी इनकी कंपेरिजन करते हैं। तो 3, 1 और 6 वाले ग्रेटर होंगे किससे, 0-0 वालों से, जिनके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है। तो 0.06 और 0.01 अदर 3 नंबर से स्मॉलर है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 0.06 और 0.01 में कौन सा स्मॉलर होगा, वही स्मॉलेस्ट कहलाएगा। तो दोनों में ही फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, बट सेकंड डेसिमल प्लेस पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 वाला ग्रेटर होगा। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल चुका है 0.01। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 0.01, और उससे ग्रेटर क्या होगा, 0.06। बाकी जो 3 नंबर्स हैं इन दोनों से ही ग्रेटर है। अब उन 3 नंबर्स में देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो 0.34, 10 और 0.61। अब यहाँ पे फर्स्ट जो डेसिमल प्लेस है 3 है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 6, तो 3, 1 और 6 में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 1 वाला होगा, तो ये पहले आएगा। तो 0.10, इन तीनों की बात करें तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, 0.10। तो यहाँ लिखेंगे 0.10। अब हमारे पास 2 नंबर्स बच जाते हैं, 0.34 और 0.61। तो 0.3 यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 3 है और यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन होगा, 0.34। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.34, और अब लास्ट में नंबर बच रहा है 0.61, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। इस तरह से हमने इन्हें अरेंज किया। अब वापस से इन्हें उसी फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म में ये लिखे थे, क्योंकि यहाँ तो हमने इन्हें लाइक डेसिमल्स में लिखा है, अब उस फॉर्म में लिख देते हैं जिस फॉर्म में ये पहले से लिखे थे। तो 0.01 एज इट इज लिखा जाएगा, 0.01 लिख सकते हैं, और 0.06 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ऐसे ही 0.10 कहीं नहीं था, ये क्या लिखा था, 0.1, तो इसकी जगह हम 0.1 लिख देते हैं वापस से, 0.34 और ये 0.61। इस तरह से हमने गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका बी। बी में द गिवन डेसिमल्स आर 3.05, 2.901, 4.03, 2.91, 3.005, 2.109। तो हम ये देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हैं, और यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस का ये नंबर है।
यहाँ पर टू डेसिमल प्लेस है, तो इसे एक जीरो ऐड करके क्या बनाएंगे, इसे थ्री डेसिमल प्लेस का नंबर, और इसे भी, यानी सभी को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद नंबर्स को लिखना है। तो पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक डेसिमल्स में। अब इसके बाद जब हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। अब कंपेयर करते हैं स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो इसमें होल नंबर पहले, होल पार्ट जो रहेगा डेसिमल्स का उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 4 वाले तो ग्रेटर हैं, तो कंपेरिजन पहले होगा 2, 2 और इस 2 होल पार्ट वाले डेसिमल्स में। अब इनका डेसिमल पार्ट देखते हैं, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है। अब हम उन नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनके होल पार्ट में 2 था, तो ये हमने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें से भी जिनके डेसिमल पार्ट्स के फर्स्ट प्लेस में यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2.109। अब होल पार्ट 2 और फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 9 वाले दो नंबर कौन से हैं, ये और ये। अब इनके सेकंड डेसिमल प्लेस की बात करें, तो यहाँ पर 0 आता है और इसके सेकंड डेसिमल प्लेस पे 1 आता है, तो 0 और 1 में कौन सा स्मॉलर होगा, 0 वाला स्मॉलर होगा, 0 स्मॉलर है। दैट मींस इन दोनों में पहले ये नंबर आएगा और उसके बाद ये नंबर लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2.901 और उसके बाद लिखेंगे 2.910। तो चलिए लिख लेते हैं 2.901 और उससे ग्रेटर होगा 2.910। अब अदर डेसिमल्स कौन से हैं, तो ये 3 होल पार्ट वाला है, ये 4 होल पार्ट है और इसमें 3 होल पार्ट है, तो 4 तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा इन सभी में। तो कंपेरिजन करेंगे जहाँ पे होल पार्ट 3 है, तो यहाँ पर 3 होल पार्ट है और यहाँ पर, अब यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, यहाँ पर भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, यहाँ सेकंड डेसिमल प्लेस पे 5 है, यहाँ पर सेकंड डेसिमल प्लेस पे 0 है। तो इन दोनों की कंपेरिजन अगर करते हैं, तो ये वाला इससे, इस नंबर से स्मॉलर है, तो ये पहले लिखा जाएगा 3.005 और उसके बाद लिखा जाएगा 3.050। अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर रह जाता है 4.030, ये ग्रेटेस्ट है, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो यहाँ इसे लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अब हम लिख सकते हैं, सो जो नंबर जिस फॉर्म में लिखे थे, ये सब अनलाइक फॉर्म में थे, तो जो जिस फॉर्म में लिखा था उसे उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2.109 क्वेश्चन में एजिटेज लिखा हुआ था, फिर 2.901 क्वेश्चन में एजिटेज लिखा हुआ था, 2.910 नहीं लिखा था, उसकी जगह क्या लिखा था, 2.91, सेम ही चीज़ है, बट हम उसे उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं जिस फॉर्मेट में वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो 2.91, फिर 3.005 एजिटेज लिखेंगे, फिर 3.050 लिखा है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, 3.05, तो हम 3.05 ही लिख देते हैं, सेम ही चीज़ है, बट हम उसे उसी फॉर्म में लिख देते हैं जिस फॉर्म में वो क्वेश्चन में था। और लास्ट में 4.030, जबकि क्या लिखा था, 4.03, तो इसे हम 4.03 लिख देते हैं। इस तरह से गिवन नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है और ये इसका आंसर होगा। सी में डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, द गिवन डेसिमल्स आर 1.28, 0.82, 2.08, 0.78, 1.8, 2.8। तो यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2, पॉइंट के बाद 28 लिखा है, पॉइंट के बाद 82 है, पॉइंट के बाद 08 है, पॉइंट के बाद 78 है, दैट मीन्स डेसिमल प्लेसेस में क्या है, 2 डिजिट्स हैं, बट यहाँ पे 1.8 है, यहाँ पर 1 ही डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो सभी को पहले क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी 1 डेसिमल प्लेस वाले डेसिमल्स हैं उनके राइट साइड में एक जीरो प्लेस करके उन्हें 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे। तो चलिए पहले इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो भी नंबर स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले आएगा। तो नंबर्स का कंपेरिजन पहले हम होल पार्ट से करते हैं, जब भी डेसिमल होता है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो कंपेरिजन करने के लिए पहले हम लेफ्ट साइड से, दैट मींस होल पार्ट का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जिन डेसिमल्स में होल पार्ट 2 और 1 है उनसे स्मॉलर कौन होंगे, जहाँ पर होल पार्ट 0 है। तो होल पार्ट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों ही डेसिमल्स अदर 4 डेसिमल्स से स्मॉलर हैं।
अब इन दोनों में भी स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.82 या 0.78, तो होल पार्ट तो दोनों जगह जीरो है। अब इनका फर्स्ट डेसिमल प्लेस को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 8 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, तो 8 और 7 में कौन सा स्मॉलर होता है, 7 स्मॉलर होता है, तो 0.78 इन दोनों में स्मॉलर, दैट मीन्स अमंग ऑल दिस इज स्मॉलेस्ट। तो हम पहले लिखेंगे 0.78 और उसके बाद आएगा 0.82, इसके बाद अब वो डेसिमल्स आएंगे जहां पे होल पार्ट 1 है, तो 1.28 है और 1.80, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, तो 1.2 और 1.8, इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस में 2 है और यहां पर 8 है, तो 8 वाला ग्रेटर होगा, 2 स्मॉलर है, तो 1.28 पहले आएगा, लिखेंगे 1.28 और उसके बाद आएगा 1.80। अब इसके बाद वो डेसिमल्स आएंगे जहां पर होल नंबर 2 है, तो 2.08 और 2.80, इन दोनों में कौन आएगा, तो देखिए होल पार्ट में तो दोनों ही जगह जीरो है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे यहां पे जीरो है बट यहां पर 8 है, तो जीरो और 8 में कौन सा स्मॉलर होगा, जीरो, दैट मीन्स 2.08 पहले आएगा और उसके बाद आएगा 2.80, तो यहां लिखेंगे 2.08 और उसके बाद में लिखेंगे 2.80। सो अब यहां पर ये जो नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद मिले, तो इन्हें वापस से उसी फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में ये दिए हुए थे, तो 0.78 0.82 एज इट इज लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 1.28 1.80 जबकि क्या लिखा था 1.8, तो हम इसे वापस से 1.8 लिख देते हैं, 2.08 और 2.80 जबकि क्या लिखा था क्वेश्चन में 2.8, तो हम इसे 2.8 लिख लेते हैं। इस तरह से गिवन डेसिमल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, द गिवन डेसिमल्स आर 1.1, 1.01, 10.1, 10.01, 1.001, 10.001। तो पहले इन्हें हम क्या करते हैं लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है 3, पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है 3 है, तो सभी को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन्हें हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर जो डेसिमल्स दिए हैं उनमें होल पार्ट क्या है, कहीं पर 1 है और कहीं पर 10 है, तो जो डेसिमल्स जिनमें होल पार्ट 1 है वो 10 वालों से स्मॉलर होंगे, तो सबसे पहले वो डेसिमल्स लिखे जाएंगे जहाँ पर होल पार्ट 1 है, तो होल पार्ट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। अब इन तीनों में भी कंपेयर करते हैं कि स्मॉलर कौन सा होगा, तो देखिए इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 1 है, इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है और यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स ये इन तीनों में जहाँ पे होल पार्ट 1 है उन तीनों में लास्ट में ही आएगा थर्ड नंबर पे। अब कंपेरिजन होगा इनमें और इनमें, तो 1.01 1.00 होल पार्ट 1 है, फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल प्लेस पे 0 है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे 1 है, यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे 0 है, तो ये स्मॉलर होगा, इन दोनों में ये स्मॉलर है, यानी ये उसके बाद लिखा जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा, तो 1.001 उसके बाद हम लिखेंगे 1.010 और ये जहाँ पर होल पार्ट 1 है ये लास्ट में आएगा 1.100। अब इसके बाद वो लिखे जाएंगे जहाँ पर होल पार्ट 10 है, तो होल पार्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 1 है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स 10.100 लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि उससे स्मॉलर ये दोनों हैं, तो 10.010 और 10.001 में पहले कौन लिखा जाएगा, तो दोनों के फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला स्मॉलर होगा, तो लिखेंगे 10.001 10.001 और उसके बाद हम लिखेंगे 10.010 010 और लास्ट में लिखा जाएगा 10.100 क्योंकि इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस में ही 1 दे दिया, तो ये ग्रेटेस्ट होगा इन सभी नंबर्स में 10.100। अब इन सभी को हम उसी फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो इस तरह से हमने गिवन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट, तो कंपेरिजन करना है तो सबसे पहले हम इन्हें जो भी डेसिमल्स दिए हैं इन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2 हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है मैक्सिमम, तो हम सभी को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे, तो 78.8 को हम लिखेंगे 78.80, 87.98,
77.90, 78.89, 87.9 है, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे तो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर हो जाएगा, और 87.88। अब कंपेयर करेंगे और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हम होल पार्ट देखते हैं डेसिमल्स में, तो यहाँ 78, 87, 77, 78, 87, 87। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल पार्ट कौन सा है? 77, तो ये डेसिमल नंबर जो है स्मॉलेस्ट होगा, तो पहले लिखा जाएगा 77.90। अब 77 से ग्रेटर होल पार्ट कौन सा, कहाँ पे दिया है? तो ये दिया है 70.89, ये डेसिमल है, और 70.80, तो 78.80, 78.89, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा होगा? 78.80, तो ये पहले लिखा जाएगा 78.80, और इससे ग्रेटर होगा 78.89। उसके बाद होल पार्ट देखते हैं, तो 87 दिया हुआ है, 87 यहाँ पे दिया है, 87 यहाँ दिया है, तो इन तीनों को कंपेयर करते हैं, तो 87.9 है, 87.9 है और 87.8 है, अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस को लेकर चलते हैं, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 87.88, तो इसे लिखा जाएगा 87.88। अब 87.90 और 87.98, तो 87.98 है यहाँ पर, यहाँ 90 है, तो इन दोनों में 98 और 90 में स्मॉलर कौन सा होगा? 90, तो यहाँ लिखेंगे 87.90, और ग्रेटेस्ट हमें मिल गया 87.98। अब क्या करेंगे, इन्हें ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन में लिखे हुए थे, तो 77.9, फिर 78.8, 78.89, 87.88, 87.90 ने लिखा था, क्या लिखा था? 87.9, तो हम यहाँ लिखेंगे 87.9 और लास्ट में 87.98। इस तरह से हमने गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। एफ में ये डेसिमल्स दिए हुए हैं, अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3। देखिए 0.003, तो यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, और कहीं पर 1 डिजिट है, कहीं पर 2 डिजिट है, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3। तो सभी डेसिमल पॉइंट के राइट में 3 डिजिट हमको चाहिए, तो 0.3 है, तो यहाँ पर 20 और प्लेस कर देंगे। इसी तरह से बाकी को भी हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले वो डेसिमल आएगा जो स्मॉलेस्ट है, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? होल पार्ट का कंपेरिजन करते हैं पहले नंबर्स में। तो यहाँ होल पार्ट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर 30 है। तो होल पार्ट की वैल्यू कम कहाँ पर है? यहाँ पर 0, 0 और 0 जहाँ लिखा है, तो ये तीनों ही अदर 3 से स्मॉलर हैं, तो पहले ये 3 ही आएंगे। अब इनमें पहले कौन आएगा वो देखते हैं। तो 0.3 है, यहाँ पर 0.0 है और यहाँ पर 0.0 है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे यहाँ 0 है, दैट मीन ये दोनों इससे स्मॉलर हैं, तो इस नंबर के पहले ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में भी पहले कौन सा आएगा? तो अब सेकंड डेसिमल प्लेस को देखते हैं, तो यहाँ 0 है और यहाँ सेकंड डेसिमल प्लेस पे 3 है, तो ये वाला नंबर स्मॉलर होगा, 0 इज स्मॉलर देन 3, दैट मीन्स ये डेसिमल नंबर जो है 0.003 ये स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर होगा 0.030 से। और थर्ड डेसिमल जिसका होल पार्ट 0 है वो इन दोनों से ग्रेटर होगा, तो उसको लिख लेते हैं 0.300। तो जो भी डेसिमल जिनमें होल पार्ट 0 था उन्हें हमने अरेंज कर लिया है। अब जहां पर होल पार्ट 0 नहीं उन्हें देखते हैं, तो यहां पर 3 है, यहां पर 30 और यहां पर 30, तो 30 जहां पर लिखा इनसे तो ये स्मॉलर है, दैट मीन्स इन तीनों में पहले ये आएगा 3.030। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो ये 30.3 है और ये 30.0 है, इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 3 है, दैट मीन्स इस नंबर से ये स्मॉलर है, तो 30.0 वाला पहले आएगा, तो 30.030 और लास्ट में क्या बचता है? 30.300।
तो इस तरह से हमने गिवन डेसिमल्स को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो लाइक डेसिमल्स में जो नंबर लिखे थे उनको अरेंज किया है, बट एक्चुअल में ये अनलाइक फॉर्म में थे। तो वापस से इन्हें अनलाइक फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 0.003, आफ्टर दैट 0.03, 0.3, 3.03, 30.03 एंड 30.3। वापस से हमने इन्हें उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में दिए हुए थे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो भी डेसिमल्स थे उन्हें हमने लिख लिया है, अब इन्हें हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है। 4 पॉइंट के बाद 37 लिखा है, दैट मीन 2 डिजिट है। यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो इनको भी हम 2 डिजिट का बना लेंगे। कैसे, इनके लास्ट में हम राइट साइड में 10 प्लेस कर देंगे, तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस के नंबर बन जाएंगे। अब इन्हें हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में पहले वो नंबर आता है जो स्मॉलेस्ट होता है। तो पहले होल पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो स्मॉलर कौन सा होगा, 3 वाला। तो 3 वाला देखते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 47 दिया है, 3.74, 3.40। तो 3.40 पहले आएगा, फिर उसके बाद 3.47, फिर 3.74। तो इन्हें लिख लेते हैं। अब उन डेसिमल्स को लिखेंगे जिनके होल पार्ट में 4 लिखा हुआ है। तो 4.37 है, 4.73 है और 4.70 है। तो 4.37 स्मॉलर है उससे ग्रेटर क्या होगा, 4.70, और उससे ग्रेटर क्या होगा, 4.73, क्योंकि होल पार्ट तो सेम है, तो हमें केवल डेसिमल पार्ट का ही कंपेरिजन करना है। तो पहले हम लिखेंगे 4.37, उससे ग्रेटर क्या होगा, 4.70, और उससे भी ग्रेटर क्या होगा, 4.73। ये तो हमने इन्हें लाइक डेसिमल्स में अरेंज किया। वापस से इन्हें अनलाइक डेसिमल्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.4, 3.47, 3.74, 4.37, 4.7 एंड 4.73। इस तरह से हमने गिवन डेसिमल्स को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।